अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़र। नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो जो है वो CPLA 3877/2023 है। इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है वो हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में कि फॉर चैलेंजिंग ए डॉक्यूमेंट वी आर क्लियर इन आर माइंड डैट देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक प्लेडिंग। अगर किसी डॉक्यूमेंट को हमने चैलेंज करना है तो हमें अपने जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि हमने जो दावा दावा करना है, प्लेंट तैयार करनी है, वो बड़ी ख़ास हो। इन द इंस्टेंट केस एज द प्लेंटिव हैज स्टेटेड डैट ही नेवर अपॉइंटेड एनीवन एज हिज अटॉर्नी, मीनिंग देयर बाय डैट ही इज डिनाइंग होल ऑफ द डॉक्यूमेंट। प्लेंटिव ने अपनी प्लेंट में ये कहा है कि उसने अपना अटॉर्नी कोई अपॉइंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है अटॉर्नी की बिहाफ पर, अटॉर्नी ऑन हिज बिहाफ इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट नंबर टू विच इंक्लूड्स डैट ही नेवर साइंड और थंब मार्क द डॉक्यूमेंट, कि उसने जो पावर ऑफ अटॉर्नी को, अगर उसने कहा जी मैंने को भी कोई पावर ऑफ अपना कोई अटॉर्नी जो है वो नहीं अपॉइंट किया, तो इसका मतलब है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है जिसके बिहाफ पर अटॉर्नी ने डिफेंडेंट नंबर टू के फेवर में साइन रंगूठे किए थे, वो फिर उसका वजूद ही नहीं है। He never appeared before the registrar for registration of the said document. और उसका ये कहना कि वो रजिस्ट्रार के सामने, सब रजिस्ट्रार के सामने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए कभी पेश नहीं हुआ। In that eventuality, his case is that no such registered document exists on his behalf in the registration book kept under the Registration Act. तो इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन बुक में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसके बिहाफ पर रजिस्टर्ड हुआ था वो मौजूद नहीं है। वेयर एज वी हैव नोटिस डैट एज PW1 आ रिकॉर्ड कीपर फ्रॉम सब रजिस्ट्रार ऑफिस डैट इज रजिस्ट्री मुहर्रर वाज प्रोड्यूस बाय द प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ हु ब्रॉट द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर 1984 डेटेड 28/4/2007 अ पावर ऑफ अटॉर्नी बाय प्लेंटिफ इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट नंबर टू in favor of defendant number 2 and a true and a correct copy of said document got exhibited as exhibit PW1। lekin humne is baat ka notice liya ki record keeper ko sub registrar office se jise registry muharrar kaha jata hai usse pesh kiya gaya aur usne ek document bhi pesh kiya jis jo ke power of attorney tha। This witness was cross-examined by the learned counsel for defendant number 1, 2, 3 and the cross-examination he has stated that it contains the signature of executor of document as well as witnesses which are correct and further stated that one of the witness is Rizwan Daud whose father name is Daud Khan। aur uske upar cross examination bhi kiya gaya jisme usne kaha ki janab executor ke iske upar sign bhi hain aur ek gawah ke bhi sign hain। Further stated that nothing of the sort, that power of attorney was subsequently cancelled or any application was moved for cancellation of the same। और ये भी कहा गया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड पर चीज़ नहीं है कि उसे किया गया कैंसिल किया गया। इन द इंस्टेंट केस वी क्लियर इन आर माइंड डैट प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट हु हैज नॉट स्पेसिफिकली, इसका मतलब ये हुआ कि फाइंडिंग जो है ट्रायल कोर्ट ने जो की और डिसमिस किया सूट को, वो we allow this petition converted to an appeal and accept the same while setting aside the judgment and degree of the learned revenal court as well as first appellate court and that of learned trial court dismissing the suit will has the field। yani ke trial court ne jo suit ko dismiss kar diya tha wo theek tha kyunki wo jo document tha wo jab taiyar hua hua tha power of attorney aur usko cancel karne ka bhi koi record hame nahi mila।